निर्विरोध चुनी गई भाजपा की गायत्री शर्मा बनी प्रथम नागरिक। कांग्रेस से शशि शर्मा ने लिया वापसी नामांकन। बेहद चुनौतीपूर्ण और आपसी खींचतान के बीच भाजपा ने वो कर दिखाया जिसके लिए भाजपा जानी जाती है, जमीन से जुड़ी हुई। पार्षद को क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जनसेवा की कसौटी पर रखा और उम्मीद से परे जाकर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध घोषित करवाते हुए गायत्री शर्मा को प्रथम नागरिक होने का सम्मान दिलाया। बताया जाता है कि नगर पालिका के चुनाव के लिए 22 पार्षद भाजपा के चुनकर आए थे। यहाँ पार्षदों के लिए चुनाव के साथ भाजपा में दो फाड़ हो गए थे, लेकिन इस डैमेज को मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने संभाला और जमीन से जुड़ी हुई वार्ड क्रमांक 25 से निर्वाचित पार्षद गायत्री शर्मा को पालिका का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए गायत्री शर्मा न केवल भावुक नजर आईं, बल्कि उन्होंने शहर की जनता, नगर पालिका के पार्षद व अपनी नेता यशोधरा राजे सिंधिया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि वो क्षेत्र की जनता के लिए सड़कों पर रहकर कंधे से कंधा मिलाकर सदैव काम करती रहेंगी, बल्कि वो अपनी नेता श्रीमती राजे के साथ जनसेवा के कार्य में अपना योगदान देते हुए सदैव उनके साथ रहूंगी। मैं उसकी कायल हूँ और ऋणी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ और श्रीमंत महाराज साहब की तो जिंदगी भर ऋणी रहूँगी। मैं उनकी कार्यकर्ता थी, वो मुझे ऐसी जगह से लेके आई, उन्होंने मुझे जो सिखाया जीवन का और कितना आगे बढ़ाया, मैंने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं इस पद के लायक हूँ। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? महाराज साहब ने जो मेरे साथ किया, जो मुझे उन्होंने क्या लगा, वो मेरी इष्ट है, वो मेरी महाराज है और उन्होंने तो बहुत लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मुझे भी इस तरह से की है। मैं उनको कभी भविष्य में निराश नहीं होने दूंगी। उन्होंने जो मेरे साथ इस शहर को जो देने के लिए, विकास देने के लिए मुझे चुना है, मैं उस पर खड़े उतरने का प्रयास करूँगी पूरा। कभी उनको दुखी नहीं करूँगी, निराश नहीं करूँगी। मेरी शिवपुरी की जो पब्लिक है उसको भी कभी निराश नहीं करूँगी, हमेशा उनके कंधे से कंधा लगा के रोड पे खड़ी रहूँगी। मुझे उम्मीद नहीं थी। तो आपके बार बार आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बिल्कुल। अनु भैया ने जो त्याग किया है, अब मैं तो मतलब कल तक भी ये सोच रही थी कि भैया बनेंगे। अच्छा, अब आपके विकास में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले आप कौन से विकास को गति देना चाहेंगे? सबसे पहले जो वार्डों में छोटी छोटी समस्याएं, बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों की।